हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना के रेवस्ती गांव में डबल मर्डर की घटना से सनसनी मच गई है। पूरा विवाद नाली के पानी को लेकर था, जो हल्के फुल्के झगड़े से शुरू हुआ, फिर गोलीबारी तक पहुंच गया। पूरे विवाद में एक महिला समेत दो की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। घायल व्यक्ति को दादरी पुलिस द्वारा नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना के नईबस्ती गांव की हैं। पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। को साथ भी करती डेली के डेली, और इस नाली के ऊपर उन्होंने आदमी मारने वाली आदत कर दी। चार दिन से डेली उनकी लड़के की बहू सास ने बोल दिया, मैं जा रही हूँ और तू गाली गुप्तार दे रसू। इतनी गंदी गंदी किसी पर सुनी भी नहीं जाएगी। किस बात को लेके विवाद हुआ? नाली के ऊपर बस गंदी गंदी गालियां देना शुरू। अभी कितने लोगों गोली लगी है? अब लगी है 3 लोगों को, मेरे जेठ को, ससुर को और हमारे पड़ोस में एक उनको लगी है। पड़ोस में कौन है वो? इधर ही घर है उनके पास। महिला है वो? हाँ, और बहू ने गोली पिस्टल ला के दिया और लड़के ने पिस्टल मारी, उन्हीं के लड़के ने खुद ने। थाना दादरी क्षेत्र में नई बस्ती बैदंगपुर गांव में नाली के विवाद को लेकर के महिलाओं से झगड़ा शुरू हुआ, जिसमें बाद में जेंट्स शामिल हो गए और इसमें मारपीट गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें रविंदर नाम का एक व्यक्ति की डेथ हो गई है और पड़ोस से आई हुई एक महिला प्रेम को भी गोली लगी है, उसकी भी डेथ हो गई है। एक व्यक्ति ब्रह्म सिंह के हाथ में गोली लगी है, घायल है। दूसरे पक्ष से जो गोली चलाने वाला व्यक्ति है, पता चला है कि उसके सिर में भी फंसा लगा हुआ है। कहाँ एडमिट है इसके बारे में हम लोग पता कर रहे हैं। नेम्ड अभियुक्त में से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस की माने तो पूरा मामला नाली के पानी के विवाद को लेकर हुआ था, जो महिलाओं के हल्के फुल्के झगड़े से शुरू हुआ और बाद में घर के पुरुषों के बीच आने के बाद खून खराबे तक पहुंच गया। इस खूनी संघर्ष में रविंद्र और उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति ब्रह्म सिंह के हाथ में गोली लगी है, जिसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि दूसरे पक्ष का गोली चलाने वाले व्यक्ति के सर में भी चोट का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने एक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ भूपेश प्रताप, Time 24 न्यूज। Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।